नमस्कार मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी आशुलिप उच्च गति अभ्यास खंड एक, डिक्टेशन नंबर 39 और 40। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। क्योंकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहां की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जगे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है, जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है, केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में वे स्थितियाँ पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहें वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो लोग नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी
निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने को तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन व उपज का उचित दाम तथा भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट में दें। नए डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल SSC स्टेनोग्राफर जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। नई जानकारी और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।